संतोष पाटिल का सुसाइड केस एक उदाहरण है। अभी कर्नाटक स्टेट का बहुत कॉन्ट्रैक्टर्स, ऑफिसर्स और छोटे छोटे बिजनेस वाले और कोई रियल एस्टेट वाले भी सभी एक गवर्नमेंट का भ्रष्टाचार में अभी क्या बोलते हैं तकलीफ में फंस गए है। वो मेंटल टेंशन उनको कंट्रोल नहीं कर सकता, हो सुसाइड किया। ऐसी मेंटल टेंशन बहुत आदमी को है सोसाइटी में। इनको सब एक अभी मुक्ति देने का जवाबदार सरकार का है, पर सर गवर्नमेंट वो कुछ नहीं अभी तक नहीं करता है, क्योंकि 4 मंथ्स और 6 मंथ पहले कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट पापन एंड टीम ऑफिशियल ये ऑल इंडिया में पहली बार ऐसी एक ऑथराइज्ड कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन प्राइम मिनिस्टर को और राज्यपाल को लेटर लिखता, फर्स्ट टाइम 40% का हमका भ्रष्टाचार है, हमका प्रॉब्लम है, काम नहीं कर सकते, क्या काम किया उनका बिल नहीं देती, सब प्रॉब्लम में है। पहली बार प्राइम मिनिस्टर को लिख को 6 महीने हुआ, मगर एक भी लेटर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से स्टेट गवर्नमेंट के लिए मुझे ऐसे ऐसे काउंटर एसोसिएशन का एक लेटर मिला है, रिप्रेजेंटेशन में उनके इंक्वायरी करो और प्रॉब्लम सॉल्व करो, एक लेटर उधर से नहीं इधर तक नहीं आया। ये क्या का संदेश है? क्योंकि राज्य सरकार का भ्रष्टाचार के लिए केंद्र के बीजेपी सपोर्ट है, उनका बैक सपोर्ट है, नहीं तो अभी तक वो इंक्वायरी कर सकते हैं ना। अभी संतोष पाटिल का सुसाइड केस के भी बाद FIR में मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर को सॉरी कंसर्न मिनिस्टर को ईश्वरप्प जी को है नाम आया, वो डेथ नोट में भाई क्लियर कट बोल दिया। डेथ नोट से पहले वो लेटर भी लिख लिया प्राइम मिनिस्टर के लिए, दिल्ली को भी गया और वो भी बोला क्या है हमारा प्रॉब्लम आप नहीं सॉल्व करेंगे तो मेरा कोई ऑप्शन नहीं है, मैं सुसाइड करना है। उनके बाद वो सुसाइड भी किया, बाद में उनका रिजिग्नेशन देने के लिए 2 दिन हुआ। बीजेपी उनका सब हाईकमांड स्ट्रांग और भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो उनको 2 घंटे में सैक करना था, डिसमिस फ्रॉम द गवर्नमेंट, चीफनेस भी करना था, पार्टी हाईकमांड भी करना था, वो भी वो कुछ नहीं किया। ये सिर्फ ईश्वर RDPR का मिनिस्टर ईश्वरप्प का एक ही प्रॉब्लम नहीं, एंटायर बीजेपी का ये प्रॉब्लम है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रॉब्लम। क्या प्राइम मिनिस्टर बोला नहीं खाने दूंगा ये डायलॉग अभी सब झूठ है, इसमें भी सबको मालूम पड़ा। इसीलिए बीजेपी का डाउनफॉल इधर से प्रारंभ होता है। बीजेपी उनका पॉलिटिकल गेन के लिए क्या भी कर सकता, ये हम हिस्ट्री में इतिहास में हम देखते हैं। वो पादयात्रा रथ यात्रा के स्टार्ट से सभी हंत हंत में क्या क्या करता है, सोसाइटी को डिवाइड करना, उनका वाइफल के अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए और पॉलिटिकल गेन करने के लिए क्या लेवल के भी वो नीचे जा सकता है। इसीलिए हम सब बहुत क्या बोलते हैं समझ के सभी इंसिडेंट को देखना, इमोशन सब रिएक्ट नहीं होना। वो बीजेपी को हमारा क्या ये तो ट्रैप करने के लिए ट्रैप डालता है, वो ट्रैप में कोई फंसाना, उनका क्या एजेंडा है, कोई इशू लगे आगे डालो, ट्रैप करो, ट्रैप में बाद में गलत करके माइनॉरिटी को नाम डालो, बाद में सोसाइटी को पोलराइजेशन करने के लिए प्रयत्न वो कर रहा है। अभी वो अभी 4-1 महीने से बहुत किया, मगर क्या है उनका प्लान सक्सेस नहीं हुआ। यह हल्ला जट का इशू क्या है, किधर भी थोड़ा गलाटा होना और दूसरा अजान देने के टाइम उधर सुहास में जाता है और क्या वो उनसे काउंटर करता है, उनका उद्देश्य क्या है, रिएक्ट होना बाद में होना,
अभी आजान से गवर्नमेंट से सभी मस्जिद के लेटर भेजता है, बाद में उधर पुलिस जाके चेक करता है। क्यों चेक करता है पुलिस? क्योंकि हमारा यंगस्टर्स रिएक्ट करो क्यों इधर आया थोड़ा, और बाद में वो बदनाम डालने के लिए। सो उनका सभी प्लान अभी तक हमारा सब लोग का एक जो क्या बोलते हैं उनको मैच्योर थिंकिंग पर उनका प्लान सक्सेस नहीं हुआ। सभी बहुत शांत रीति से उनका क्या एलिगेशन आएंगे तो क्या क्या वो बोलेंगे तो कितना, कोई उनका रिएक्ट नहीं किया, कम्युनिटी उनका कोई दिया। सभी लोग एक साथ थे, अभी 95% हिंदूज मुस्लिम क्रिश्चियंस सभी एक साथ थे। ये 5% का क्या ये प्रयत्न कर रहा है उनमें वो कभी अभी तक फेल है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है क्यों इलेक्शन अभी आ रहा है। बीजेपी का विनिंग स्ट्रैटेजी है कि वो पोलराइजेशन करने का एक ही एजेंडा, वो विन होता है।